आत्मकथा लेखन एक विवादास्पद विधा रही है। कभी व्यक्तियों और प्रसंगों की वजह से विवाद उठते रहे हैं, तो कभी उत्तेजनात्मक सामग्री परोसने या उसे बिकाऊ बनाने के हथकंडे आजमाने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार तो आत्मकथाएं आत्मप्रचार का साधन बनते हुए भी दिखाई दी हैं। लेकिन आत्मकथाओं की सबसे बड़ी कसौटी होती है कि लेखक ने उसमें कितनी ईमानदारी बरती है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार राम शरण जोशी, वरिष्ठ लेखक शिवराज सिंह बैचेन और वरिष्ठ लेखिका एवं आलोचक डॉक्टर सुधा सिंह। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है ताना बाना में। पहला सवाल रामशरण जी आपसे है, ये माना जाता है कि आत्मकथा में ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी है, लेकिन ये किसी भी लेखक के लिए बड़ी चुनौती होती है, बहुत साहस की जरूरत पड़ती है, उसे अपनी भी चीरफाड़ करनी पड़ती है, अपने मित्रों परिजनों की भी चीरफाड़ करनी पड़ती है, बहुत सारे गोपनीय तथ्य उजागर करने पड़ते हैं। तो ऐसी कितनी आत्मकथाएं हमारे यहाँ लिखी जाती हैं जो जिन्हें हम ईमानदारी की कैटेगरी में रख सकते हैं? देखिए, कितनी आत्मकथाएं ईमानदारी के साथ लिखी गई है तो कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैंने लिखी है इसलिए अपनी आत्मकथा मैं बोनसाई अपने समय का उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मकथा लिखना जितना सहज सरल सुबोध है लेकिन उतना ही दुस्साहसिक है। इसमें जहाँ आपको स्वयं के साथ साक्षात्कार करना पड़ता है, वहीं समाज के साथ भी साक्षात्कार करना पड़ता है। निजी वृत्त को लोक वृत्त से जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली आत्मकथा एक व्यक्ति की नहीं होती है मेरी दृष्टि में, व्यक्ति क्योंकि व्यक्ति समाज में होता है, समाज एक खास समय में होता है, तो व्यक्ति समाज राज ये तीनों चीजें चारों चीजें मिलकर के एक सच्ची आत्मकथा को सामने रखती हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सच्चाई की बात, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। मैं यहाँ गांधी जी को बीच में लाना चाहूंगा। गांधी जी ने शुरू में ही एक बात कही कि मैं सत्य के साथ जो प्रयोग कर रहा हूं वो मेरे निजी हैं, अपने हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने इसे स्वीकार करे, अगर उसे स्वीकार करता है उसके अनुसार चलता है तो ये उसकी है, लेकिन मैं इसे थोपना नहीं चाहूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक जगह ये बात कही, क्योंकि उन्होंने 30s के बाद कोई आत्मकथा का विस्तार नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि अब मैं इससे आगे आत्मकथा नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा वो भी उन्होंने बताया कि अब इसके आगे अगर आत्मकथा लिखता हूं तो मेरी एक तो राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है और उसमें मुझे कुछ ऐसे अप्रिय बातें लिखनी पड़ेंगी जिससे हो सकता है मेरे मित्रों को वो के विपरीत जाता हो जाती हो, तो इसलिए मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा। इसका मतलब कि उन्होंने स्वीकार किया कि आत्मकथा जब समाज से जुड़ना चाहती है तो उसमें स्वयं से ऊपर हट करके जो अपना जो सामाजिक दायरा होता है उससे जो आपकी मित्र हो या तत्कालीन राज सत्ता हो उन सब को दायरे में लाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हमेशा ये स्वीकार, ये एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए मैं और उपमैं, एक मैं होता है और उसके साथ साथ अनेक उपमैं होते हैं, यानी व्यक्ति हमेशा जब से लिखना शुरू किया और अंत तक वो एक नहीं होता, उसमें कई सारे उपमेय समाये रहते हैं। तब कौन सा उपमेय सक्रिय और उभर जाए ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आत्मकथा में बुनियादी शर्त है ईमानदारी स्वयं के साथ और समाज के साथ, दोनों के साथ। अगर आप ईमानदारी बरतते हैं तो निश्चित ही हमारी ये आत्मकथा सशक्त होगी। इस दृष्टि से
ये रूसो की आत्मकथा बहुत मशहूर है। मैं आपके ये बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, वो भी एक जबरदस्त जी महत्वपूर्ण है। बर्टन रसेल की बिल्कुल आत्मकथा को आप ले लें, या ये इसको नेल्सन मंडेला की एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जबरदस्त जी बिल्कुल आत्मकथाएं हैं। और हिंदी के अंदर भी हैं, जैसे पांडे बिचन शर्मा उग्र की एक आत्मकथा है जो जबरदस्त ईमानदारी के साथ लिखी गई है। और मेरी आत्मकथा कैसी है ये तो आप लोग तय करेंगे। हाँ, जी लेकिन बिल्कुल इतना है कि 99% मैंने ईमानदारी से हम लोगों ने लिखी। जी। शिवराज जी, ये दलितों की जी बहुत सारी आत्मकथाएं आई हैं जो कि जिनको पढ़ने से लगता है कि ये बहुत ईमानदारी से लिखी गई आत्मकथाएं हैं। उनका अपना दर्द, समाज का दर्द पूरी तरह से उन्होंने उनमें उड़ेल के रख दिया है। तो एक तो दलित लेखन की पहचान एक समय आत्मकथाओं से ही बन गई थी, बाकी बाद में और भी तरह की चीजें आई और वो विस्तार पाती गई। लेकिन अगर आत्मकथाओं के संदर्भ में, केवल दलित लेखन नहीं, तमाम आत्मकथाएं जो लिखी जाती हैं हिंदी में, खास तौर पर हमने बहुत सारी आत्मकथाओं को देखा, आत्म प्रचार की भूख या विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति या अपनी आत्मकथा को पॉपुलर बनाने की एक चाह, ये सब शामिल होती है आत्मकथा लेखन में। आपका क्या नजरिया है? मुकेश जी, ऐसा है कि आत्मकथाकार भी एक मनुष्य ही होता है, और मनुष्य में ये दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं कि वो प्रचार भी चाहता हो या उसमें और कई तरह की कमजोरियां हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्मकथा, जैसा कि जोशी जी बता रहे थे, कि वो एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं होती है, और वो चाह कर भी व्यक्ति की आत्मकथा नहीं लिख सकता। कोई व्यक्ति अनचाहे भी उसका परिवेश, उसका समाज, उसके संस्कार और उसके अनुभव में जो उसके बाहर की चीजें हैं वो आ जाती हैं। एक बात तो ये। दूसरा यह है कि आत्मकथा के साथ जो कथा शब्द जुड़ा हुआ है, उससे मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ये कथा, जब हमने कहा तो इसका मतलब कि कुछ कल्पना भी है उसमें, और कल्पना जो है वो यथार्थ से बाहर नहीं हो सकती, और कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि जिसको पाठक पहचान न पाए। जहां तक प्रश्न है इसमें ईमानदारी का, तो अगर लेखक बेईमानी भी करता है तो आत्मकथा में ऐसी गुंजाइश होती है, अगर हमारे पास पढ़ने की एक दृष्टि हो, उसे पहचानने की दृष्टि हो, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये सत्य नहीं कहा गया है, क्योंकि समाज में वो स्थितियां मौजूद होती हैं। और जो आत्मकथाओं के अच्छे अध्येता रहे हैं या हैं, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं जो जिसमें से आत्मकथा निकल कर आती है। यानी दलितों की आत्मकथा अगर दलित समाज की कहानी कह रही है, तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, उस समाज के अंदर जाके उसे उसको वेरीफाई करना होगा, जांच करनी होगी, देखना होगा कि जो लेखक कह रहा है वो अब है या नहीं है लेखक, क्या वैसे हालात अभी मौजूद हैं या नहीं है। तो वहां जाएगा, स्थान पर लोग से मिलेगा तो उसी कर सकता है। तो ये जी ईमानदारी के लिए ये भी ये बात है कि अगर कोई आत्मकथा में बेईमानी करता है तो मुझे नहीं लगता उसे संतोष मिल जाए। उसको अपनी अगर जो भी है आत्मा है या जमीर है, वो उसे जरूर कचोटेगा। वो कहना ही सच चाहता है, इसीलिए वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर। लेकिन उसमें यह है कि हालातों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, वो कितना सच रोकता है और कितना सच लिखता है, ये अलग बात है। सारा चीज कहने जी कर उसकी नहीं है, और कई सच संग भी पैदा करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, दया पवार की आत्मकथा 1960 में आई और काफी चर्च हुई, बहुत सारी अनुवाद हुई है, सब लोग जानते हैं। लेकिन दया पवार ने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था, यही दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल में, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, इत्तफाक से उसी दिन मैं एक इंटरव्यू भी किया जो सहारा में छपा था,
उन्होंने एक बात बताई थी और उस घटना की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि वो जब विद्यार्थी थे और किसी लड़की को प्रेम करते थे तो उन्होंने प्रसंग को अपनी लिख दिया और हुआ कि जब लड़की शादी हुई और वो पता के ससुराल वालों ने पढ़ी तो उस लड़की को त्याग दिया और फिर उसके बाद पंचायत हुई और उसमें दया पवार ने कहा कि ये मेरा जज्बाती रिश्ता था और इसमें भावुकता के अलावा और कुछ नहीं है और मैं जब इसकी शादी हो गई हम लोगों ये मैं बहन भाई का रिश्ता मैं मानता हूँ ये सार्वजनिक रूप से कहा समझाया गया तब वो जी जो है वो उसका समाधान हुआ उस समस्या का। तो आप कथा लिखने के अपने जोखिम है शिवराज जी, मैंने समझ लिया जी अपने जोखिम है, लेकिन जो आत्मकथा लिख रहे हैं सुधा जी उनको ये जानना चाहिए कि उन्हें निर्मम होना पड़ेगा अपने प्रति भी और सच को ईमानदारी के साथ रखना पड़ेगा, अन्यथा वो न लिखे आत्मकथा, वो कहानी लिखे, किससे उपन्यास लिखे, आत्मकथा ही क्यों लिखना है। जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से और ये सही है कि सारी दुर्बलताएं मनुष्य में ही होती हैं, मनुष्य ही दुर्बलताओं का केंद्र है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अगर आप आत्मकथा लिख रहे हैं तो आत्मकथा कमजोरियों को बताने का नाम नहीं है बल्कि कमजोरियों पर पार पाने का नाम है, एक्सेल करना होता है, बताने के लिए हम नहीं बताते। और अगर केवल बताने के लिए बताई जा रही हो कोई चीज तो उसका बहुत सामाजिक तौर पर कोई बहुत बड़ा मूल्य भी नहीं बनता। और ध्यान रखना चाहिए कि आत्मकथा अंततः सब्जेक्टिव होती है, यानी लेखक एक वह जो लिख रहा है, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि वहां मैं भी कई तरह के होते हैं, तो एक लेखक खुद सब्जेक्ट है और दूसरा लेखक खुद करता है जो उस सब्जेक्ट को रच रहा है, तो इस कर्ता और सब्जेक्ट के बीच की दूरी जितनी कम होगी आत्मकथा का सौंदर्य और आत्मकथा की ईमानदारी उतनी ही निखर कर आएगी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे समय में ईमानदारी की तलाश कर रहे हैं, चूंकि आत्मकथा की विधा ही इस चीज पर खड़ी है, तामीर है कि जो कुछ कहा जाएगा सच कहा जाएगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम बहुत कम आत्मकथाओं में सच का लेश पाते हैं। आत्मकथा अंततः एक कईयों को तो ये साहस ही नहीं होता कि वो सीधे सीधे शब्दों में अपनी कथा कह दे, कईयों ने कहानी उपन्यास इत्यादि का सहारा लिया है आत्मकथात्मक चीजों को लिखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अभी ये 20 साल दो दशक पहले से तीन दशक पहले से आत्मकथा लेखन की बाढ़ जो आई हुई है और पहले आत्मकथाएं नहीं लिखी गई, खूब लिखी गई आत्मकथात्मक अभिव्यक्तियां रही हैं, लेकिन सिलसिलेवार कोई स्वयं को सब्जेक्ट बनाकर विषय बनाकर जो आत्मकथा आई वो इधर की देन है, ये पिछले जो अस्मितावादी जो उभार हैं उसकी देन है। तो ये देखना चाहिए कि आखिर इन अस्मिताओं ने जिसमें पुरुष स्त्री अल्पसंख्यक दलित विभिन्न धर्म भाषा इत्यादि के लोग शामिल हैं ये आत्मकथा लिख रहे हैं तो इनका उद्देश्य क्या है, केवल विरेचन, अपने दुखों का विरेचन उसको बताना, जैसे मुक्तिबोध ने कहा कि दुखों को तमगे सा पहन लिया, तो अगर आप दुखों को तमगे सा पहन लेते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं, आगे के शब्दों में कि दुख जिसे मिलता है उसे यह ज्ञान भी होता है कि अन्यों को वह दुख से मुक्त रखे, एक ऐसा वातावरण बनाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जो जनतंत्र और सबकी समानता, सबके लिए बराबरी और न्याय की बात करें, केवल शब्दों और लेखनी में नहीं, कर्म और व्यवहार में भी। आत्मकथा चूंकि आत्म का उद्घाटन है, सेल्फ का उद्घाटन है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब स्त्रियां आत्मकथा लिखती हैं तो उनके दृष्टिकोण और नजरिए में पुरुष के दृष्टिकोण और नजरिए से काफी बड़ा भेद होता है। पुरुषों के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए एक बहुत बड़ा संसार है, उनकी गरीबी भी उनके लिए उपलब्धि है, उनके साथ हुआ ऑपरेशन यानी रिप्रेशन भी उनके उनके लिए उपलब्धि है, लेकिन स्त्रियां तो रिप्रेस्ड हैं और इसके बावजूद स्त्रियां अपनी गरीब आत्मकथाओं का जिक्र करना चाहेंगी क्या इस संदर्भ में, जहां स्त्रियों की आत्मकथाओं की बात कर रही हैं आप, वहां क्या मैत्री पुष्पा की आत्मकथा या
दूसरी जी बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी ही विपरीत और संघर्षशील स्थितियों में मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। उनका बचपन जो है वो अपने पिता की छाया के बगैर गुजरा और उन्होंने उसको एक दूसरे परिवार में अपना पूरा जीवन शुरुआत का गुजारा और वहां से वो कैसे सशक्त बनी इसकी कहानी उन्होंने कही है। और इसी बिंदु पर मैं आना चाहती हूँ, सिर्फ मैत्री पुष्पा क्यों, सुमित्रा महरौल जो अभी हालिया जिनकी आत्मकथा मैंने पढ़ी है भी काफी जी अन्या से अनन्या डॉक्टर प्रभा खेतान जी। वो मेरी मित्र रही हैं और मैं बहुत निकट से जानती हूँ जी बिल्कुल। केवल मैं प्रभा खेतान और बाकी अन्य लोगों का जिक्र न करके सुमित्रा महरौल का जिक्र इसलिए कर रही थी कि अभी अद्यतन उनकी आत्मकथा आई टूटे पंखों से परवाज तक और ये एक विकलांग स्त्री की आत्मकथा है। और प्रभा खेतान की आत्मकथा भी अपने आप में बहुत बोल्ड आत्मकथाओं में गिनी जाती है अन्या से अनन्या तक, लेकिन उसकी कुछ चीजें जो मैं बराबर प्रभा जी से भी कहती रही और सामने आमने की बात में भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया, जिस तरह से डॉक्टर साहब के प्रति उनका आग्रह बना रहता है और उनके अत्याचारों को भी वो झेलती है और खुद लिखती है कि जितने आंसू मैंने डॉक्टर साहब के लिए गिराए अगर उसका अर्धांश भी मैं अपनी लेखनी को देती या अपने व्यवसाय को देती तो कहां से कहां पहुंचती। तो मैं जिस चीज या फिर पिंजरे की मैना जो चंद्र किरण सौंदरेक्सा का नॉवेल है आप इनको पढ़िए, आत्मकथा है इनको पढ़िए, इस पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरह से स्त्री की दुनिया पुरुषों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती हुई खत्म हो जाती है। यानी उनकी आधी से अधिक ऊर्जा घर के विपरीत माहौल में। जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्त्रियों की जो आत्मकथाएं आ रही वो ज्यादा ईमानदार हैं? मैं इस लिहाज से इस बात को कहना चाहती हूँ, ये सवाल स्त्रियों की आत्मकथा ज्यादा ईमानदार है या अन्य जो सेक्शन है दलित हैं अल्पसंख्यक हैं वे जो लिख रहे हैं उनकी आत्मकथा ज्यादा ईमानदार, इसका नहीं है, इस तुलना का नहीं है। सवाल है कि अनुभूति की प्रामाणिकता जो ईमानदारी का आधार है ना, वो स्त्रियों के यहाँ शुरू से ही लेखन के केंद्र में अनुभूति है। और इन स्त्रियों का जो संघर्ष है अगर आप देखें तो पुरुषों की आत्मकथा में जहाँ वो संघर्ष बाहरी ज्यादा और भीतरी कम है, स्त्रियों का संघर्ष भीतरी भी है और बाहरी भी है, दोनों मोर्चों पर है। तो इस लिहाज से स्त्रियों के लिखे को, हालांकि जैसा कि बेचैन जी ने कहा कि आत्मकथा अंततः एक बनावट ही है, लेखन ही है, और लेखन में कलात्मकता ना हो तो वह सद्धति नहीं है। तो नहीं, आत्मकथा के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कि ईमानदारी कितनी जरूरी है, अगर ईमानदारी का तत्व आत्मकथा में नहीं है तो क्या उसे आत्मकथा माना जाना चाहिए? जोशी जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, आपने हालांकि पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन ईमानदारी की मांग करना किसी भी लेखक से क्या ये उसके साथ जाती है? जैसा शिवराज सिंह जी ने भी कहा कि तमाम तरह की दुर्बलताएं भी होती हैं एक मनुष्य होने के नाते, और उनसे तमाम दुर्बलताओं से पार पाना किसी भी लेखक किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं, तो ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी हो सक होनी चाहिए क्या आत्मकथा की? मुकेश जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आत्मकथा की कोई स्थायी सैद्धांतिकी नहीं हो सकती, इस पर बड़ा विवाद भी हुआ। अगर कोई सैद्धांतिकी में आत्मकथा को बांधेगा तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी, उसमें सत्यता और ईमानदारी स्वतः ही लुप्त हो जाएगी, पहली बात तो ये। इसलिए इस मामले में जो आत्मकथा का लेखक है या लेखिका है उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने ईमानदारी की बात की, देखिए अगर आप सचमुच में लेखक हैं तो आपको स्वयं के प्रति और समाज के प्रति ईमानदार रहना ही पड़ेगा। ये ठीक है कि निर्बलताएं रहती हैं, इस पर कोई बहुत और रहेंगी, मतलब उसे आप मुक्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आप आत्मकथा स्वांत सुखाई के लिए नहीं, आप जो दे रहे हैं वो समाज में जा रहा है, समाज उसको किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है। देखिए राइटर कंस्ट्रक्ट करता है और समाज में देता है, तो उसको एक पाठक किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करता है फिर बाद में रिकंस्ट्रक्ट करता है, इन तमाम चीजों को। इसलिए
अगर अगर वो लेखक स्वयं में ईमानदार नहीं है, इसका मतलब कि वो समाज के प्रति भी ईमानदार नहीं है। लेखक की बुनियादी शर्त ही है ईमानदार होना और समाज के साथ होना। मैंने जैसे कि मैंने काफी आत्मकथाएं पढ़ी, जैसे हमारी वाल्मीकि जी की पढ़ी, झूठन पढ़ी, उसे डॉक्टर तुलसीराम के अपने वो मुर्दैया। देखिए जैसा कि शुरू में बैचेन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम परिवेश को डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्त्री का परिवेश हो और चाहे वो पुरुष का हो, चाहे वो समण का हो, चाहे दलित का हो, जब हम परिवेश पे आते हैं, पिछले मैंने शुरू में कहा कि परिवेश पर जब आएंगे तो विभिन्न तरीके की जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो शक्तियां हैं, उनका जो इंटरप्ले होता है समाज में, और उस इंटरप्ले से व्यक्ति की चेतना का निर्माण होता है। जब इसका मतलब ये कि व्यक्ति की स्वयं की चेतना ठीक है, लेकिन उसकी निजी संपत्ति नहीं है, समाज की संपत्ति है, तब मैं ये कहूंगा कि जब वो निज के प्रति ईमानदार है, वहीं उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के प्रति भी ईमानदार है, समय के प्रति भी ईमानदार है। जिस परिवेश में उसका लालन पालन और ग्रूमिंग होती है, उस परिवेश के प्रति, तो मैं बुनियादी शर्त जैसे मैंने शुरू में कहा ईमानदारी ये होती है, इसे मैंने गांधी जी को बीच में लाया। अगर ईमानदारी नहीं है तो ना वो अच्छा लेखक बन सकता है और ना ही उसकी आत्मकथा अच्छी हो सकती है। मैंने तो आत्मकथा ईमानदार है कि नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुसंख्यक पाठकों में ये दृष्टि नहीं होती। वो जो कहा जाता कि आत्मकथा, उसको आत्मकथा के नजरिए से पढ़ता है और मान के चलता है कि लेखक ने सही सच ही लिखा होगा। तो पाठक से ये उम्मीद करना कि वो ईमानदारी की परख करेगा, जांच करेगा किसी आत्मकथा में, क्या ये पाठक के साथ जाती नहीं है? मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया उनसे। सुधा जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, मैं जोशी जी से सहमत हूँ कि पहले लेखक को ही अपने पक्ष से ईमानदार प्रयास करना होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हम एक ऐसे समाज में आत्मकथा में ईमानदारी ढूंढ रहे हैं जो एक ईमानदारी की छद्म चेतना, जिसे हम कहते हैं, उससे घिरा हुआ है। ईमानदारी का फ्रॉड भी बहुत कुछ है, तो इस ईमानदारी के फ्रॉड में, मतलब मिडिल क्लास से आप ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ है। उस मध्य वर्ग से जो एक हाथ से क्रांति का झंडा उठाता है और दूसरे हाथ से सहूलियत बटोरने की कोशिश में लगा रहता है, उससे आप ईमानदारी खोज रहे, तो दिक्कत यहाँ है। और ये जांचना कि लेखक ने जीवन और लेखन में इस फाक को, जो विचार और व्यवहार का है, कितना कम किया है, ये जांचने का हमारे पास उसके परिवेश को जांचने के अलावा, उसके दोस्तों और समसामयिक दुनिया को जांचने के अलावा और कोई जरिया नहीं रह जाता। तो ये कठिन काम है जिसे हम पाठक पर नहीं छोड़ सकते। केवल पाठक ही इस काम को कर लेगा और लेखक की कोई जिम्मेदारी अपने लेखकीय निष्ठा के प्रति नहीं बनती, ये ऐसी कामना करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादती होगी रीडरशिप के प्रति। जैसा आपने कहा कि हमारा हिंदी का पाठक जिसको टेलीविजन ने भूत प्रेत अंधविश्वास से घेर रखा है, वो ये जज करने जाएगा कि लेखक सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। वो तो आप जो कह रहे, अच्छा आत्मकथा हम कोई पढ़ता क्यों है, यहां से प्रश्न पूछिए तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग आत्मकथा दूसरे के जीवन में झांकने के लिए पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि उसकी सराहना करें या प्रशंसा करें या उसके उसके लिखे से कुछ सीख लें। झांक मतलब उत्सुकता जो होती है आत्मकथा को पढ़ने के प्रति, अगर आप केवल परिवेश की, जैसा कि रामविलास शर्मा ने अपनी धरती अपने लोग, उनकी आत्मकथा मैं समझती हूँ कि महत्वपूर्ण आत्मकथा है और उससे सीखना चाहिए कि आत्मकथा हम कैसे लिखें जिसमें केवल स्व ना हो, स्व के साथ समाज का भी पूरा पूरा हिस्सा आए। उनके बाबा से आत्मकथा शुरू होती, हालांकि उस पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि रामविलास जी ने गलत कहा कि उनके पूर्वज जो हैं वो सैनिक रहे और 1857 में लड़ाई लड़ी, ये सब बातें आपत्ति की है, लेकिन
उनका परिवार किसान परिवार था और किसान जो जीवन मूल्य थे वो किस तरह से उनके बचपन को निर्मित करने में सहायक बने और कैसे जी पूरा परिवेश जिंदा हो जाता है ऊंच गांव सानी का, तो ये परिवेश। दूसरा जो उदाहरण है वो तुलसीराम का है। उनके उनकी आत्मकथा को अगर आप पढ़िए तो वहां भूत प्रेत की एक पूरी दुनिया जो जहां उनका उनकी बस्ती थी वो बताते हैं कि वो वहां कोई आना नहीं पसंद करता था क्योंकि वहां मुर्दे जलाए जाते थे, मुर्दहिया नाम ही था। तो और भूत प्रेत और अंधविश्वास से वो कहानी शुरू होती है। तो जिसका जैसा परिवेश है, जिस लेखक का जो परिवेश है जहां से वो आ रहा है, उस परिवेश को अगर अपनी आत्म अपने आत्म के साथ वो सहेज पाया तो ईमानदारी का कम से कम एक बड़ा प्रतिशत वो पूरा कर पाता है। अन्यथा केवल मैं और मैं का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना हो, रूपांतरण कहीं ना हो, मैं बदले नहीं, जो था जहां से चला और वहीं खत्म हुआ, तो उस आत्मकथा का मैं नहीं बिल्कुल। तो समझती कुल कि कोई मिला के ये सामाजिक कह मूल्य। सकते हैं कि लेखकों से अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। जितना ज्यादा ईमानदार होंगे उतनी अच्छी आत्मकथा बाकी और गुणों के अलावा भी जरूरी है, क्योंकि आप पाठकों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आत्मकथा के नाम पर झूठी चीजें नहीं परोस सकते हैं, ये उनके साथ अन्याय है। और ना उनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो खुद तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि पैकेजिंग उसकी आत्मकथा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बल्कि शिवराज सिंह जी का भी जो इस बहस में ठीक से भागीदारी नहीं कर पाए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।